सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच। मेरी मेरे पेरेंट्स ने अमेजोन से मंगवाई है, लेकिन जो वॉइस आ रही है ना, वॉइस जो आ रही है उसको प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि फैमिली टाइम होता है, नाइट टाइम ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई। तो अब मैं इसको ले रही हूँ, इसको सीजर भी ले लिया है मैंने, इसको कट करेंगे। और मैंने ना सोचा था कि ये मेरे को 2 डेज पहले ही मेरे एयर हाउस में अराइव हुआ था, बट मैंने सोचा कि कंटेंट भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूँ और बता दूँ कि ये कैसे यूज़ में होता है। और मैंने भी कुछ कुछ वीडियोज़ खुद देखी है जो कि अमेजोन ने बताई थी, उसमें जो वो वीडियोस होते हैं जो कि रिव्यू के लिए होते हैं वो। ये रहा फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच निंजा कॉल प्रो प्लस, और ये ब्लूटूथ कॉलिंग भी है इसमें, और इसका ऐड कियारा अडवाणी ने भी करा है। और इसकी जो यहाँ पर बताया है कि क्या क्या है इसमें, तो इसमें है 100+ स्पोर्ट्स मोड, लाइक अगर हमें वॉक करना है उसे पहन के वो टाइमर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वैसी ही है, और जितनी देर चलेंगे और स्टेप्स भी बताएगा। और इनबिल्ट गेमिंग म्यूजिक कंट्रोल एआई वॉइस असिस्टेंट ब्लूटूथ कॉलिंग, यहाँ पर पूरे मैंने टेप्स को निकाल रही हूँ जो जो भी रहते हैं उसको, अब हम इसको ओपन करेंगे और अब हम इसको लेंगे यहाँ, देख सकते हैं ये मैंने पिंक या फिर रोज कलर का कोई सा है मैंने मंगवाया है। और इसको ऑन करने के लिए ना ये स्विच ऑफ करके दिया जाता है, सो ये जो बटन है जिससे हर कुछ वही होता है, तो इसको दबा के रखना है थोड़ी देर में कि स्विच ऑन हो जाएगा, ये ग्रीन लाइट जली जो आपने देखी, अब यहाँ पर ये ऑन हो रहा है। और इसमें बस हर समय यही थीम होती है, इसलिए इसको जो वॉलपेपर है ना उसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह से दबा के रखना है लाइक दिस, और इस तरह से लाइक दिस, और एकदम सारे थीम्स है इसमें। So like this, so I like this one, so I have tap and only ये आ गया। और ये ना फुल टच डिस्प्ले है जो कि हाँ इसके यहाँ पर दिया भी है, फुल टच डिस्प्ले स्मार्ट वॉच। ये सब ग्रीन लाइट चल रही है, अभी चल रही थी, सॉरी गाइस। अब इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमको चार्जर मिल रहा है, चार्जेस करेंगे यार, और शायद दूसरा मीन्स रिप्लेस कर सकते हैं 1 ईयर की, इसमें शायद वारंटी है, देखना पड़ेगा जो इसमें कार्ड्स आए। ये इसका चार्जर है, और इस चार्जर को ना ये जो केबल है उसको किसी भी जो होता है उसमें लगाते हैं, और उस फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आपको वहाँ पर ये मैग्नेट है, इससे हिल डुल रहा है, और फिर ये चार्ज होगा, ग्रीन लाइट चल रही है। अपनी चल रही है, इसमें लिखा है हार्ट रेट सेंसर है ये, हार्ट रेट। और उसके बाद एकदम सारे कार्ड्स हैं, लाइक एकदम सारे क्रेडिट कार्ड मेरे
मैं इस सारे टैग्स को ना मीन्स जो कपड़े के टैग्स लाइक दिस ऑल्सो मैं उसको संभाल के रखती हूँ। इसमें चार ये टाइप के कार्ड्स हैं और ये मैनुअल सॉरी मेरी तबीयत एकदम ख़राब है, एकदम भी नहीं लेकिन ख़राब है। इसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वन द एक्सक्लूसिव बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप। अच्छा ये स्पॉटिफाई गाना सुनने के लिए, ये मूवीज के लिए आई डोंट नो। और ये वारंटी है एक टैग गिर चुका है या आई थिंक म्यूजिक जो कि ये रहा ना गाना ये सब लिखा है ना गाना फ्री 3 months म्यूजिक क्लेम योर फ्री गाना प्लस सब्सक्रिप्शन बाय विजिटिंग bolt.com गाना सब्सक्रिप्शन। अच्छा इसको स्कैन करना रहता है, इसमें भी ये स्कैन दिया गया है, इसमें भी दो दो दिए गए हैं और इसमें 1 year की वारंटी में भी एक दिया है, इसमें नहीं दिया। और इसको तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और यहाँ पर भी QR कोड दिया गया है और देखते हैं कहाँ पर है। पढ़ने में तो मतलब मज़ा नहीं आता लेकिन इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में करना पड़ता है, पढ़ती तो हूँ वैसे मैं उन सबको जो भी प्रॉब्लम रहती है ना अगर कोई रहता है तो उनसे पूछ लेती हूँ या फिर वीडियोस में देख लेती हूँ या फिर मैनुअल में देख लेती हूँ मैं। और इसमें आई थिंक कॉल भी कर सकते हैं लेकिन उसका जो वो है उसको सेट करना पड़ता है पूरा लाइक ये ऑन है लाइक ऊपर और यहाँ पर जो दिख रहा है ग्रे कलर का कॉल का ये, लेकिन मेरे अभी में दिखा रहा है वॉच इज नॉट पेयर्ड पता नहीं ये वेदर है सॉरी इट्स वेदर। हाँ अब इसको टर्न ऑन दबा रही हूँ मैं, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर पेयरिंग। चलो भाई बाद में देखा जाएगा तो देखा जाएगा। सो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपने मेरी अभी अभी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेरे पास एक डायरी थी लाइक हेयर इट इज ओनली दिस है ना। और इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, फर्स्ट तो मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है एंड देन अबाउट मी देन द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड देन आई हैव डन द रूटीन देन my personal something and then this mandala art it's not very nice but don't I have done this and introduction is also my personal things and it's my personal diary also। और इसका जो बाहर का कवर है ना मैंने उसी से थोड़ा थोड़ा देख के ना मंडाला आर्ट बनाया था, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करे समझ सकते हो। आप इसको सब कुछ समेट देते हैं क्योंकि ये तो मार पड़ेगी। वैसे गाइस आपने सोचा कि मेरे लिए मैं तो एकदम छोटी हूँ बट तब भी मेरे पास वॉच इट्स नॉट ये थोड़ी सी पुरानी वॉच है जो कि ऐसी रखी हुई थी इसलिए मैंने इसको कर दिया। मीन्स हमने मंगाई थी लेकिन
हमारे पास दो दो ऑर्डर्स आ गए थे, इसलिए सोचा कि इसका एकदम कलर ना फंकी सा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको रख लेते हैं, बाद में कभी किसी की यूज़ आ जाएगा, इसलिए हम ये मैं यूज़ करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।